बिहार की सियासत में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। खबर है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद से बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिनका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करने को आतुर इंडिया गठबंधन में ना तो अब सब कुछ ठीक ठाक है और ना ही इस गठबंधन को आधार देने वाले नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के भीतर ही कुछ सही चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जनता दल यूनाइटेड में बड़ा फेरबदल होने वाला है। कहा जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और आने वाली 29 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सियासी महाविस्फोट हो सकता है। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर सियासी समंदर में तेजी से गोते लगा रही है। ललन सिंह के इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि अभी भले ही नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और आरएलडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफे और दिल्ली में होने वाली जनता दल यूनाइटेड की बैठक को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बैठक में रोना रोया जाएगा। अब इस बैठक में बैठ करके लोग मातम पुरसी करेंगे, रोना रोएंगे, और क्या होना है इसमें। वो जो घर में कोई दुखद घटना हो जाती है तो परिवार के लोग बैठकर रोना रोते हैं, तो वही बैठकर वहां रोना रोएंगे और उसमें से कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे, इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं होना। ललन सिंह की आरजेडी और लालू प्रसाद से बढ़ रही नजदीकियों को उनके इस्तीफे का कारण माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह की कमजोर नीतियों की वजह से ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का चेहरा नहीं बन सके। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं और कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं। फिलहाल तो सर्द मौसम में सियासत की फिजाओं में इस्तीफे की खबर धुंध बनकर छाई हुई है और अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 29 तारीख को जब ये धुंध छटेगी तो इस्तीफा निकलेगा या सिर्फ शिगुफा निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।